हम तो व्यापारी संगठन के हैं की तरफ से बोल रहे हैं, व्यापारी क्या होगा नुकसान कुछ, अगर कोई शरारती तत्व कोई किसी बात को लेकर कर दे, अगर कोई बात हो आपके माइंड में पहले हो, आप 2 महीने पहले कह रहे, 3 महीने पहले, तब तक सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। पर आप एकदम से ही अगर कोई एकदम कानून कहते जी कल से हो और ना हो, तो फिर पुलिस वाले अगर परेशान करें व्यापारी, तो व्यापारी का तो मरना होगा ना, क्योंकि एक तरीके से संविधान की मूल धारणा के बिल्कुल विपरीत है। कहीं भी ऐसा आज तक आपने देखा होगा ढाबों में होटलों में मूल्य सूची तो जरूर लगी देखी होगी, लेकिन नाम आपने कहीं नहीं देखा होगा। पहले प्रशासन आदेश जारी करता है और फिर शासन आदेश जारी करता है, ये उल्टी व्यवस्था चल रही है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ उस्मान चौधरी। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में एक चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पुलिस ने एक आदेश किया जिसमें कांवल मार्ग पर जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी ठेले हैं, वो उन्हें आदेश दिया गया है कि वो अपना नाम, जो स्वामी का नाम है वो, और साथ में जो कारीगर हैं उनका नाम भी मेंशन कराकर लगाया जाए और बताया जाए कि कौन इसका मालिक है, किस नाम से दुकान है और कौन कौन जो वहाँ काम करता है उनके क्या नाम है जो वहाँ कारीगर हैं। और वहाँ उसी चीज़ का विरोध करने के लिए आज यहाँ व्यापार मंडल के और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आए हैं और आज मेरठ के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने आए हैं। और इनका क्या विरोध है, हम इनसे ही पूछेंगे कि आखिर किस चीज़ के लिए ये विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जीतू सिंह नागपाल है, मैं व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ और आज हम जिलाधिकारी के यहाँ पर आए हैं। हम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को ज्ञापन देने आए हैं और उनके संज्ञान में लाना चाहें, उनके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि अभी कुछ टाइम से सहारनपुर मुजफ्फरनगर रोड पर ये जो आया है कि होटलों पे और ठेले वालों पे जिस जिसके जो धर्म के हैं उसके नाम लिखे जाएं, धर्म के साथ ही इससे पहचान हो। तो मैं बस इन साहब से, मुख्यमंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने अभी जो शिवरात्रि का समय चल रहा है, ये वैसे ही एक बहुत टफ टास्क होता है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि वो पूरा दिन पूरी रात 24 घंटे काम करते हैं इस पर। तो अभी ये ना करके इसके बाद जब ये शिवरात्रि निकल जाए, जब ये तो कांवड़ के लिए किया गया है, पर इस चीज़ की पहले कोई तैयारी नहीं थी ना व्यापारियों के पास। हम तो व्यापारी संगठन के हैं की तरफ से बोल रहे हैं, व्यापारी क्या होगा नुकसान कुछ, अगर कोई शरारती तत्व कोई किसी बात को लेकर कर दे, अगर कोई बात हो आपके माइंड में पहले हो, आप 2 महीने पहले कह दे, 3 महीने पहले, तब तक सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। पर आप एकदम से ही अगर कोई एकदम कानून कह दे जी कल से हो और ना हो, तो फिर पुलिस वाले अगर परेशान करे व्यापारी, तो व्यापारी का तो मरना होगा ना। तो हम तो व्यापारी वर्ग की तरफ से पूरे कि कोई ऐसी व्यापारियों को परेशानी ना हो, तो हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप इस चीज़ को कर दीजिए और बाकी चाहे आप पूरे प्रदेश में कानून लाइए, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमाशंकर खटीक एडवोकेट है और मैं मेरठ व्यापार मंडल का जिला मंत्री हूँ। क्या कहना है, क्या विरोध है आपका, क्या ज्ञापन दिया? मुझे भी असल में कल समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि ये मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा तुगलकी फरमान जारी करा, किसका आदेश से करा, कैसे करा, ये तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो भी उन्होंने करा वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि एक तरीके से संविधान की मूल धारणा के बिल्कुल विपरीत है। कहीं भी ऐसा आज तक आपने देखा होगा ढाबों में होटलों में मूल्य सूची तो जरूर लगी देखी होगी, लेकिन नाम आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ये इसका नाम अशरफ है, इसका नाम इब्राहिम है, इसका नाम कमल है, इसका नाम विजय है। अब इन्होंने ये पता नहीं क्या जिला प्रशासन ने क्या सोच समझ के ये प्रयोग करा, और वो भी ऐसे टाइम जब सावन का महीना चल रहा और कांवड़ यात्रा आरम्भ होने वाली है, तो संशय वाजिब है। और ला के हम इस बात पर पहुँचे हैं कि अगर ये प्रयोग कामयाब हो गया तो यह अगला आघात होगा जाति व्यवस्था पे। अगली बार जो तुगलकी फरमान कोई भी जारी करेगा यूपी के अंदर, वो करेगा कि भाई अब तुम अपनी दुकान के आगे अपनी जाति लिखो, वो चाहे वाल्मीकि हो, कोई जाटव हो, कोई पासी हो, कोई कन्नौजिया हो, ओबीसी की कोई जाति हो। तो ये एक तरीके से ये भारतीय संस्कृति की जो मूल धारणा है, अवधारणा है कि जी मिलजुल के रहो, उस पर कुठाराघात है और हम इसके खिलाफ है। और माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के तुगलकी फरमान जो जारी किया है, उन्हें आदेश करें कि इस आदेश को वापस ले, ताकि ये खतरनाक प्रयोग आगे ना दोहराया जाए। तो जाति व्यवस्था को भी, खाली धर्म ही नहीं, आज तो ये सिर्फ धर्म की बात हुई है, कल को ये जाति पर भी होगी, हमें पूर्णतः यकीन है कि ऐसा होगा। तो हमारा तो मुख्यमंत्री जी से यही आदेश है और हम इसी बात के लिए उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं, कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन देने आए हैं। इतना हमारा आपसे कहना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैंकी वर्मा है, जिला प्रमुख मेरठ व्यापार मंडल से हूँ। शैंकी जी, क्यों विरोध है आपका? ये मैंने देखा, ये एक आपने जो ज्ञापन है ये भी दिया है, विरोध क्या है जी? देखिए, विरोध ये है,
आप पहले ये देखिएगा, सरकार जो है, जो शासन है, वो प्रशासन चला रहा है, कितना मजाकिया अंदाज है। पहले प्रशासन आदेश जारी करता है, अभी एक सूचना आ रही है, मुझे अभी उसका आदेश तो नहीं मिला, लेकिन एक सूचना चल रही है कि अब योगी जी ने पूरे प्रदेश के लिए ऐसा कराया कि कांवड़ मार्ग पर निकल। पहले प्रशासन आदेश जारी करता है और फिर शासन आदेश जारी करता है, ये उल्टी व्यवस्था चल रही है। उसके बाद ये एक हिटलरशाही है। आप एक बात बताइए, कितने वर्षों से ये कांवड़ यात्रा चली आ रही, आज तक कभी ऐसा हुआ कि अपने बोर्ड के नाम ने व्यापारी जो है अपना नाम लिखे, चलो मान लेते हैं लिखना है, अब मेरा नाम मान लो आप अशफाक है और मैं अपने, मेरा घर का नाम गुड्डू है, तो मैं अशफाक लिखूं या गुड्डू लिखूं, इसकी भी तो ये पहचान बताए ना योगी जी, इसकी भी पहचान बताए कप्तान साहब मुजफ्फरनगर वाले, जो ये आदेश पारित कर रहे हैं कि अपने नाम लिखें। ये पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बौखलाई हुई सरकार है जो इस प्रकार के आदेश पारित कर रहे हैं। योगी जी बहुत दबाव में है, उन्हें केवल और केवल, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्य हो, नमाज हो, कोई त्यौहार हो, उन्हें केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम, ये दो शब्द तो उन्हें समझ में आते हैं, इसके अलावा उनके पास तो मुझे राजनीतिक ज्ञान की भी बहुत अनभिज्ञता लगती है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग सीधी सीधी है, तत्काल प्रभाव से इस प्रकार के जो तुगलकी आदेश हैं, जो आर्थिक रूप से बायकॉट है एक विशेष वर्ग का, उस प्रकार के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, और जो भोले बाबा के भक्त आएंगे बम बम करते हुए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, कनौजिया हो, धोबी हो, गुज्जर हो, जाट हो, तमाम जितने वर्ग हों, पीढ़ी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, वो भोले की सेवा करे और उसका लाभ उठाए, और वर्षों से यही प्रथा चली आ रही है, इस प्रथा को चलने दें। आपको मतलब विरोध क्यों है, और जो किसी का नाम लिखा जाएगा तो उससे क्या होगा? विरोध नाम, एक बात बताइए मुझे, नाम लिखने में कहाँ कहाँ नाम लिखवाएंगे आप मुझे? मैंने ये शर्ट मुस्लिम से सिलवाई है, आप कल को कहे, कल को सरकार कहे या प्रशासन कहे कि इस पर लिखवाओ जी टेलर का नाम लिखवाओ, ये तर्कसंगत है क्या? मैंने बाल कटवाए हैं कि यहाँ बालों पर भी नाम लिख के चलूँ क्या मैं? मैंने चश्मा खरीदा है इस पर भी लिख के चलूँ? मैंने किस दुकानदार से खरीदा, वो हिंदू है, मुसलमान है, या एस सी है, या OBC है? तो ये तो एक तरीके का एकदम मूर्खतापूर्ण, एक तरीके से मूर्खतापूर्ण आदेश है, इसे जग हसाई ना करवाए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन। और योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, तो ऐसे आदेश को तो उन्हें मुजफ्फरनगर प्रशासन को डांट लगानी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम आदेश। हम 2027 नज़दीक है, अगर ऐसा वो आदेश जारी करेंगे तो क्या रह जाएगा? अभी 2024 में आपने हाल देख लिया, 2027 में क्या हाल रह जाएगा आपके? सबका, मोदी जी का तो स्पष्ट कहना कि सबका साथ सबका विकास, और ये क्या हो रहा है? ये बहुत गलत बात है, संविधान की मूल अवधारणा पर कुठाराघात है, भारतीय संस्कृति के सर्वथा विपरीत है। योगी सरकार और योगी सरकार को ये आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से आग्रह है। तो आप देख सकते हैं कि इनका किस तरीके से विरोध है, और आपने देखा कि इनका कहना है कि जो समय है वो फिलहाल और होना चाहिए था, लेकिन अभी इनका कहना है कि ये जो तुगलकी फरमान, इनका कहना है कि इसको अभी फिलहाल वापस लेना चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, UP तक।